किसान सम्मेलन, सम्मान समारोह व स्वास्थ्य शिविर में 1600 लोग लाभान्वित। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ सद्भावना भवन में कार्यक्रम के आयोजक अनुसूचित जाति राज्य आयोग के सदस्य श्री राम पप्पू बघेल के नेतृत्व में एक दिवसीय किसान सम्मेलन, सम्मान समारोह एवं विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में किसानों को लाभ की बात बताते हुए बघेल ने कहा कि मिलेट फसलों, चक्री फसल की खेती किसानों को करना चाहिए, जिसके लिए 9000 रुपए प्रति एकड़ राशि भूपेश बघेल सरकार दे रही है, जिसका अधिक से अधिक किसान लाभ लें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप जन सेवा के समर्पित विभिन्न शिविर में 1632 लोग लाभान्वित हुए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त राम कुमार पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़िया सरकार किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। ग्राम का विकास सरकार का उद्देश्य है। हरप्रसाद साहू, गोरेलाल बर्मन, नगर पंचायत अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी, ललित नायक, जय साहू, BDC नील सिंह यादव, BR यादव, उदय कश्यप, माखन आरले ने संबोधित किया व सैकड़ों वरिष्ठ किसान शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग, स्वास्थ्य व पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को और पशुपालकों व जरूरतमंद किसान लोगों को लाभान्वित कर जानकारी दी गई और आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड, भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का प्री पंजीयन, किसान सम्मान निधि का ऑनलाइन 345 पंजीयन किया गया व निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, नेत्र शिविर एवं आयुर्वेदिक चिरायु टीम, NAC जांच, BP एवं रक्त शिविर में 8 स्टॉल लगाए गए, जिसमें 1600 लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई और सभी प्रगतिशील किसानों का शॉल एवं श्रीफल देकर उनका मंच पर सम्मान किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थित ललित नायक, किरण भारती, घासीराम चौहान सहित अनेक वरिष्ठ जनों की गरिमामय उपस्थिति रही। मंच संचालन JP बघेल एवं हृदय प्रकाश अनंत ने किया। आज 1 मार्च को पामगढ़ की धरती में सद्भावना भवन में विशाल किसान जागरूकता सम्मेलन रखा गया था, जिसमें कई प्रकार की शिविर आयोजित की गई थी। प्रमुख रूप से आयुष्मान कार्ड यहाँ बनाया गया, श्रम कार्ड बनाया गया और भूमिहीन कृषक जिनको 7000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है उनकी पंजीयन की गई। PM सम्मान निधि वाली जो है उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई है। साथ ही साथ जो है एक विशाल शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 1300 से 1400 लोग उसमें लाभान्वित हुए हैं, जिसमें आयुर्वेदिक, रायपुर के डॉक्टर और सभी प्रकार की जो है आई जाँच और ब्लड कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप ये भी हुआ। साथ ही साथ हमारे किसान सम्मेलन हुआ,